बार्बर बन गई है। पहचानो कौन, कितना सेटिस्फाई ये बोलेंगे। मैं तो कौन आया है वीडियो में और उनके साथ आज क्या होने वाला है। बोलो बोलो क्या होने वाला। आज हमारे पत्नी बार्बर बन गई है। आज मैं कट करूंगी इनके हेयर, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं कभी नहीं ऐसे क्यों है। तो मुझे भी थोड़ा नर्वस हो रहा है, पता नहीं पगली क्या करेगी। कोरोना वायरस क्या क्या करवा रहा है देखो है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हूँ बार्बर। आप लोग वीडियो एंजॉय करो। पीछे से शुरू करो। कट के लिए राजी तो हो गई, लेकिन मन में डर लग रहा था कि क्या कर दूं यार, क्योंकि इनका बीच बीच में ना वीडियो कॉल वाला मीटिंग भी होता है ऑफिस में। तो मैं सोची अगर मैं भूल से गलती से भी कहीं से बाल उड़ा दूं तो गया, सब कुछ गया। तो ये सोच सोच के घबरा घबरा कर मैं धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन मेरे पतिदेव जो है ना वो मुझे बहुत ही साहस प्रदान कर रहे थे कि करो करो, जो भी होगा देखा जाएगा, बाल कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच बीच में गाली भी दे रहे थे कि मुझे ऐसे करो, इतने धीरे धीरे क्यों कर रहे हो, मेरे स्किन में नहीं लग रहा है क्यों। वो ट्रिमर से कर रही थी ना, क्योंकि ट्रिमर चलाना था हम लोग को, लड़की लोगों का, मतलब मैं तो करती नहीं हूँ ट्रिमर, लड़की लोगों का भी होता है लेकिन मैं ट्रिमर से कभी नहीं की थी। मैं सोच रही थी अगर मैं नीचे स्किन से बिल्कुल लगा के हेयर कट करूँगी तो उनका स्किन में लग जाएगा तो मतलब कट आ जाएगा, तो ये सोचकर। लेकिन वो मुझे गाली देने लग रहे थे कि जोर से करो, स्किन में अगर नहीं लगेगा तो बाल नहीं कटेगा। तो ये सब डिस्कशन हमारे बीच हो रहा था। तो धीरे धीरे करके ये बीच बीच में देख रही थी कि मतलब मैं वीडियो बना के उनको दिखा रही थी पीछे का साइड हो रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। मैं बहुत धीरे धीरे कर रही थी, वो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि उनका जो ट्रिमर है ना वो इतना अच्छा, मतलब अभी उसका बैटरी प्रॉब्लम दिखा रहा है तो ज़्यादा चार्ज ज़्यादा टाइम वो रहता नहीं है इसमें। तो जल्दी जल्दी करके अगर कट नहीं करूँगी तो आधा कट हो जाएगा, आधा वैसे ही रह जाएगा। उनका कहना मतलब ये था। फिर भी जैसे तैसे हो मैं आप लोगों को कट करती हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करो, मैं लास्ट में आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं उड़िया चैनल के लिए शूट कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले चलो हिंदी व्लॉग भी आज मुझे बनाना था। और बीच में जो टक मतलब बात हम लोग किए हैं तो सब उड़िया में ही कर लिए हैं, नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो देखो एंजॉय करो, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो आगे की साइड परफेक्टली कट हुआ था, पीछे की साइड भी परफेक्टली कट हुआ था, लेकिन लास्ट में क्या किए पता है मेरे हस्बैंड की, चलो मैं एक फाइनल टच दे देती हूँ बोल के गए और कुछ ट्रिमर लेके पीछे की साइड बिल्कुल खाली कर दिए और गड़बड़ वहाँ पे ही हो गया। गड़बड़ मैं नहीं की हूँ, वो खुद ही किए, ये प्रॉब्लम है। मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी लेकिन वो खुद ही प्रॉब्लम का जड़ बन गए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इनका फाइनल लुक, मैं कैसे कट की हूँ। आज हमारे घर में सिर्फ बाल ही बाल, ये देखो ये बाल ये बाल ये बाल, इधर भी बाल, ये देखो यहाँ पे इतना सारा बाल और यहाँ पे भी बाल। ये देखो फाइनल रिजल्ट, थोड़ा सा गलती हो गया है पीछे साइड, ज्यादा कट हो गया। ये कितना सेटिस्फाई है ये बोलेंगे। मैं तो 90% हूँ। 90%? Yeah. इस
इसमें मैं पूरा नहीं की हूँ, ये कुछ ना कुछ हेल्प किए हैं मुझे, मतलब मैं जो कंघी है ना वो पकड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, मैं बार बार थोड़ी हूँ, परफेक्ट हो गया, होने की कोशिश तो कर सकती हूँ। चलो अभी के लिए तो ठीक है, अगली बार अगर लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हुआ तो ये ऊपर के जो बाल है इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अभी मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, बस पीछे थोड़ा सा कट किया ऊपर का। तो चलो मैं आप लोगों को एक जूम वीडियो दिखाती हूँ, पीछे और साइड का ही ज्यादा हमने अभी फोकस किया है। तो ठीक है, क्योंकि वो कान के ऊपर आ रहा था तो बोर लग रहा था मेरे को। चलो अभी वो नहीं लगेगा, चलो अभी दिखाती हूँ आपको। पतिदेव और ये है उनका बाल, ये देखो यहाँ से कट हुआ है, इधर 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 ही गलती हो गया, ज्यादा कट हो गया, ऐसे करना था, चाहिए था, लेकिन चलेगा इतना पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो और इनका पूरा लुक देखो। चलो अभी मुझे बहुत चुभ रहा है बाल, चुभ रहा है, मुझे जाके नहाना चाहिए। ठीक है, मैं नहाने जाता हूँ, तुम ये दोनों रूम ये सारा क्लीन करना है। देखो बाल 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 ये बाल। क्लीन कर लो। रुको रुको रुको, एक पिक्चर तो लेंगे। प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ? मैं कट की थी बाल। चलो ये काम भी खत्म हो गया, ये काम भी मैं कर ली एक्सपीरियंस। तो अभी क्लीन करेंगे घर चारों और बाल ही बाल, है कि नहीं? ये तो मेरा खोल दो। चलो इसको भी खोल देते हैं, मैं नहाने जाता हूँ, बहुत चुभ रहा है मेरे को। मुझे भी चुभ रहा है, मेरे कपड़े में भी पूरा हो गया है, मुझे कुछ ओढ़ के करना चाहिए था, है ना? चलो मैं क्लीन करती हूँ फिर मिलती हूँ। हाँ, धो के आ गए जोरों से भूख, तो जल्दी जल्दी मैं कुछ बना के खा लेते हैं। तो बना रही हूँ ड्रमस्टिक की सब्जी, यहाँ पे जल्दी जल्दी में सब कुछ रेडी, अभी बनाते हैं। मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, कुछ दिन पहले से ही की थी, तो आज थोड़ा सा वैसे ही दिखा दूँगी कुछ रेसिपी। वैसे भी नहीं भूख लग रहा है, तो यहाँ पर राइस बिठा दी हूँ, जल्दी जल्दी बनाना है, खाना है जोरों से भूख। तो ड्रमस्टिक की सब्जी जो है ना, मैं बहुत बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, अभी सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि व्लॉग में यही बनाई तो दिखाऊंगी। तो सिर्फ तेल डालना है, हरा मिर्च जीरा डाल दी हूँ, कुछ प्याज ऐड कर दी हूँ, प्याज को थोड़े टाइम के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें मसाला ऐड करूँगी, जो भी अदरक लहसुन के पेस्ट और सूखे मसाले। इसको अभी टमाटर भी मैं चप करके ऐड कर दी हूँ एक, उसमें नमक थोड़ा सा ऐड करके ढक देना है कुछ टाइम के लिए, ताकि नमक अच्छे से गल ना जाए। कौन है? पहचानू? सब पहचानते हैं मुझे। नहीं, अभी मैं बार बार बन गई थी ना, तो सोच रही हूँ कि पहचान पाएंगे या नहीं। गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गई। कहाँ? पीछे। वो तो मैंने किया, ये कर लिया गड़बड़, मैं नहीं, मैं सब ठीक की हूँ। मैं दिखा दी आप लोगों, बिल्कुल स्मार्ट हैंडसम लग रहे हैं ना। वो तो मैं पैदा ही हूँ। मेरे हेयर कट के वजह से हो। तो क्या मैं इससे पहले नहीं था? थोड़ा सा था, ठीक है, इतना हो गए। हाथ का कमाल, जाओ खुश हो जाओ। चलो भूख लग रहा है, अभी झगड़ा भी नहीं कर सकते, जाओ जल्दी खाना लग दो, खाना है। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, इसमें अभी मैं जो ड्रमस्टिक आलू कट करके रखी थी उसको ऐड कर दूंगी, और अगर आपको और नमक कम हो गया है तभी आप ऐड कर सकते हो। इसको मिक्स कर देना है अभी कुछ टाइम के लिए, मतलब 7 से 8 मिनट तक इसको ढक के पकाना है, जब तक कि आलू और ड्रमस्टिक पक ना जाए। फिर उसके बाद हम लोग पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। और यहाँ पे मैं जो बड़ी खुद ही बनाई थी, मेरी जो मेहनत का फल था, उसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको लास्ट में ऐड करेंगे। ड्रमस्टिक की सब्ज़ी में ये डालने से ना बहुत टेस्ट लगता है, इसके लिए मेरे पास ख़त्म हो गया था, मैं मतलब बनाई और मैं सक्सेस भी हो गई, इसीलिए मैं और एक बार भी बड़ी डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा धूप हो रहा है, नहीं तो बारिश का सीज़न आ जाएगा, नहीं कर पाऊँगी। ये देखिए अच्छे से हमारा ड्रमस्टिक और आलू भी पक गया है, तो इसमें अभी पानी ऐड करना है। जितना भी आपको पानी ऐड करना है, जितना ग्रेवी आपको पसंद है उसी हिसाब से पानी ऐड करो, और ढक दो और कुछ टाइम के लिए इसको उबाल आने दो। उबाल आने के बाद आपका
करी जो है रेडी हो जाएगा। इतना जोरों से भूख लग रहा था ना, ये वाला करी जो है इजीली बन जाता है। जब भी भूख लगता है जल्दी जल्दी में बनाने के लिए, अगर ड्रमस्टिक है तो बना के खाओ। बहुत जल्दी बन गया था तो हम लोग खाना खा लेंगे अभी। ये देखो करी बिल्कुल रेडी है और आलू भी पक गया है। अभी इसको थोड़े टाइम के लिए उबाल, मतलब हाई फ्लेम करके उबाल लो। उसी टाइम में मैं बड़ी ऐड कर रही हूँ। उसी टाइम में बड़ी ऐड करने से ना ये इसका क्रिस्पीनेस जो है नरम नहीं बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अभी मैं सर्व करूँगी और खाना खाऊँगी, फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखो डाइनिंग टेबल में रेडी है हमारा खाना। हम लोग ऐसे ही खाते हैं, मतलब एक ही जगह में करी ले आते हैं, दोनों जगह में राइस और राइस के ऊपर डाल डाल के खाते हैं। तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता है और खाना भी हम लोग खा देते हैं अच्छे से। इतना अच्छा हेयर कट की क्या मिला मुझे? 2 रुपए। 1 रुपए नहीं मिला है? अरे दूंगा मैं 2 रुपए से। क्यों 2 रुपए क्या होगा? मेरे पास नहीं है ना ज्यादा कुछ। पहले बोलना चाहिए था ना, कॉल नहीं करती है। यही तो स्मार्ट फोन बहुत चालू है ये। चलो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट मैं ट्राई कर रही हूँ इनके ऊपर फेशियल करके वीडियो लाऊंगी। आप लोगों ने अगर हेयर कट नहीं किया तो एक कर लो और पिक्चर शेयर करो मेरे के साथ, अच्छा लगेगा। तो चलो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा लाइक करना ताकि मैं फेशियल वाला वीडियो भी इनके साथ लाऊं। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।